Hello everyone, VidyaForyou channel welcomes you all. Today our topic is ranking and order. ठीक है, ranking and order में दो टाइप के questions हमें पढ़ने हैं. पहला टाइप जो है वो है this one, problem related to the arrangement of person or object in ascending or descending order. देखो इसमें क्या होता है, जो questions का type है उसको हम लोग देखते हैं example के through. See, this is of type first. इसमें क्या रहेगा कि एक जो है taller है हंसिका से, फिर जो है हंसिका टॉलर से, तो हु इज द शॉर्टेस्ट इन द ग्रुप, ये हमारा टाइप वन में कवर होगा. ठीक है, सेकंड टाइप में क्या कवर करेंगे हम लोग, सेकंड टाइप पे ये सब जो क्वेश्चंस रहता है कि इफ राम इज 17th फ्रॉम लेफ्ट एंड 18th फ्रॉम राइट एंड, what will be the total number of person. तो इस तरह के questions को हम लोग second type में categorize किया है. ठीक है, हम इस video में हम लोग type 1 को पढ़ेंगे, type 2 को हम लोग अगले video में पढ़ेंगे. ठीक है, कुछ कुछ requirement है हमें, कुछ कुछ symbols use होते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को तो आप लोगों को मालूम है, लेकिन जो बिल्कुल start करते हैं और basically वो जो class 10th तक अच्छे से नहीं पढ़े होते उनको ये जरूरत पड़ जाता है. This is the symbol of greater than, this is the symbol of greater than. ये हम लोग जानते हैं greater या फिर heavier, taller, higher, more, मतलब जिसकी quantity ज़्यादा हो हम लोग उसको greater than से डिनोट करते हैं. सपोज कि हमें बताना हो कि A is heavier than B, तो हम लोग क्या डिनोट करेंगे, A heavy है यानी greater है, बड़ा है, heavy है, तो इस और B. देखो ये moth एक कहो, ये open है, जो heavy होता है ना उसकी और ये मुंह खुला हुआ होता है. ठीक है, और इसका opposite क्या हो जाएगा, less than. अगर question रहता है A is lighter than B, तो A is lighter than B, it means हम लोग कह सकते हैं कि B is greater than, B is heavier than A. तो अब जो है कहाँ हो गया इसका मुंह खुला हुआ, B की ओर. क्यों B की ओर मुंह खुला हुआ है, क्योंकि B is heavier, जिसकी ओर मुंह खुला होगा वो heavier होगा. अगर ascending order और descending order की बात करें हम लोग, तो क्या होगा, अगर हम लोग बात करें कि देखो A B C D, इस फिगर से हम लोग कह सकते हैं कि D सबसे ज्यादा टॉल है, सबसे ज्यादा टॉलर है, उसके बाद सी, उसके बाद बी, फिर ए. तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हमें एसेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है कि यानी कि डी सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, तो सबसे बाद में डी लिखेंगे और सबसे पहले ए को लिखेंगे. और सिंस बी जो है वो हमारा बड़ा है ऐसे, इसलिए मुंह खुला हुआ किसकी ओर रहेगा, बी की ओर, फिर सी की ओर, फिर डी की ओर. और डिसेंडिंग ऑर्डर इज जस्ट अपोजिट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर. लेट्स सी द क्वेश्चंस नाउ. विनय इज टॉलर देन हंसिका, विनय इज टॉलर देन हंसिका. देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या दिमाग में रखना होता है कि हम लोग एक सेंटेंस को पढ़ें, उसका फिर हम लोग इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें. विनय इज टॉलर देन, इट मीन्स हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि विनय टॉलर है यानी ग्रेटर है देन हंसिका. सो दिस विल बी आवर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. एक बार मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चंस जो है हम लोग बहुत इजी से सॉल्व आउट कर रहे हैं, लेकिन आगे जो भी क्वेश्चंस है वो टफ क्वेश्चन है. ठीक है, हंसिका इज टॉलर देन अभिषेक, हंसिका टॉलर है अभिषेक, आलोक इज टॉलर देन अशोक, आलोक टॉलर है अशोक से, इसलिए आलोक की ओर मुंह खुला हो रहेगा, अशोक इज टॉलर देन विनय, अशोक की ओर मुंह खुला रहेगा. ठीक है, ये हमने हर एक सेंटेंस का एक अलग अलग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया. अब जो है जिस तरह से सेंटेंस बिल्कुल कंबाइंड फॉर्म में है, फुल स्टॉप यहाँ पे है, उसी तरह से इस मैथमेटिकल फॉर्म को जो है हम लोगों को एक एक सीक्वेंस में लिखना होगा. तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं विनय से, अगर स्टार्ट करते हैं तो विनय के बाद हंसिका आएगा, हंसिका कहाँ पर है, यहाँ पर है. हाँ, तो हम लोग पहले विनय से स्टार्ट करते हैं, विनय, हंसिका, फिर हंसिका और अभय में रिलेशन है, हंसिका और अभय में रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, तो ग्रेटर देन अभय, अभय इंड अप हुआ, अभय कहीं पर हमें दिख रहा है क्या, अभय हमें कहीं पर नहीं दिख रहा. तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब आलोक अशोक
अशोक और विनय, विनय है यहाँ पर, ठीक है, यानी विनय और अशोक में रिलेशन है, विनय और अशोक में रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, तो अशोक ग्रेटर देन है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आलोक और अशोक में रिलेशन है, ठीक है, अशोक एंड आलोक, सपोज दिस इज आलोक, कैसा रिलेशन है, तो आलोक इज ग्रेटर देन, आलोक इज ग्रेटर देन। अब हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा, हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है, तो अभय विल बी द शॉर्टेस्ट वन, अभय विल बी शॉर्टेस्ट वन, आई होप यू हैव गेट इट, ओके। तो हमने क्या किया, हर एक सेंटेंस को एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, फिर सारे को कंबाइंड किया, जिस तरह से सेंटेंस का कम्बिनेशन किया हुआ है। ऑल राइट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टू, जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं वो सेंटेंस को हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग देख करते हैं। अनिल इज टॉलर देन सनी, इट मीन्स अनिल इज टॉलर देन सनी, इसको इस तरह से, सॉरी, सनी, सनी इज शॉर्टर देन बेबी, इसका मतलब क्या हुआ कि बेबी इज ग्रेटर देन सनी, टॉलर है। अनिल इज टॉलर देन बोस, अनिल इज टॉलर देन बोस, हुज हाइट, किसका हाइट, बोस का, हुज किसके लिए है, बोस के लिए है, ठीक है, बोस हाइट इज लेस देन सनी, इट मीन्स सनी हाइट इज मोर देन बोस, तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं सनी और बोस के बीच, ठीक है, बोस का हाइट कम है, इसका मतलब सनी का हाइट ज्यादा है, इसलिए सनी इज ग्रेटर देन बोस। बेबी इज शॉर्टर देन अनिल, इट मीन्स अनिल इज टॉलर देन बेबी। हाँ, तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आए हैं, अभी इसको हमें एक लाइन में करना है, एक लाइन में एक्सप्रेस करेंगे, तो हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे अनिल और बेबी को अगर लेते हैं तो ये बेबी खत्म हुआ और बेबी से स्टार्ट हुआ यहाँ पर, यानी कि फोर से स्टार्ट करते हैं तो हमारा काम थोड़ा सा आसान होगा। अनिल इज ग्रेटर देन बेबी, बेबी इज ग्रेटर देन सनी, सनी इज ग्रेटर देन बोस, ठीक है, ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो ही गया, अनिल इज ग्रेटर देन बोस, तो अनिल जो है वो बड़ा ही है बोस से, ये हो गया हमारा फुलफिल। और अनिल और सनी का बात करें, अनिल जो है बड़ा होगा सनी से, तो ये भी फुलफिल हो गया, ठीक है, ये भी फुलफिल हो गया, ओके। सारा इक्वेशन हमने इसको एक लाइन में कर दिया है, और हमें क्वेश्चन पूछ रहा हु इज द शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट कौन होगा, बोस होगा हमारा शॉर्टेस्ट, तो बोस विल बी आवर आंसर, ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यानी ट्रिक्स क्या हो सकता है कि हम लोग जल्दी बनाएं, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर जो है हमारे आरआरबी, दैट इज रीजनल रूरल बैंक, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछे जाते हैं। हाँ, इससे थोड़ा सा टफ रहेगा, इससे थोड़ा या ज्यादा भी टफ कर सकते हैं हम लोग आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीपीआई पीओ में आएगा, ठीक है, लेकिन कम से कम हमें इजी क्वेश्चन भी तो आना चाहिए। तो ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक क्या होगा, तो ट्रिक क्या है कि जितने भी नाम है उसको, नाम को आप लोग एक कॉपी में लिख लो, अनिल, बेबी, सनी एंड बोस, और जो क्वेश्चन पूछ रहा शॉर्टेस्ट, क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्टेस्ट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास टॉलेस्ट होगा ना, टॉलेस्ट या टॉलर जो होगा उसको कैंसिल आउट करते चले जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर देखो अनिल इज टॉलर, कैंसिल आउट, जो टॉलर है उसको कैंसिल आउट करो, सनी इज शॉर्टर, इट मीन्स बेबी इज टॉलर, तो बेबी को कैंसिल आउट, अनिल इज टॉलर, तो अनिल को कैंसिल कर दिया, बोस, बोस हाइट इज लेस देन सनी, यानी कि सनी का हाइट ज्यादा होगा, सनी को कैंसिल कर दो, बचा क्या हमारे पास, बोस, तो बोस का हाइट हमारा शॉर्टेस्ट होगा, ओके, सो दिस इज द ट्रिक। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर थ्री, सी क्वेश्चन नंबर थ्री, हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रिक से बनाएंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। ट्रिक क्या कहता है कि जितने भी नाम है उसको आप लोग एक जगह लिख लो, विशाल, आकाश, सुभि, यकास, दिस इज नॉट आकाश, दिस इज यकास, यकास, दीपक, और कोई भी नाम है क्या, नहीं, आकाश लिख चुके हैं, सुभी लिख चुके हैं, दीपक लिख चुका है, ठीक है, टोटल ये पांच नाम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्डेस्ट, तो एल्डेस्ट का ऑपोजिट क्या होगा, यंगेस्ट, जो सबसे छोटा हो, ठीक है, यंगेस्ट या फिर यंगर, तो जो यंगर होंगे उसको हम लोग कटआउट करते चले जाएंगे। विशाल इज एल्डर देन आकाश, इट मीन्स आकाश इज यंगर, सो कैंसिल आउट, विशाल इज एल्डर देन आकाश बट यंगर देन सुभि, कौन यहां पर यंगर है, ये विशाल, ना कि आकाश, विशाल इज यंगर देन सुभि, तो जो हमारे पास यंगर था उसको हम लोग कैंसिल आउट करना है, तो विशाल को कैंसिल आउट कर दो, आकाश इज यंगर, किसको कैंसिल आउट करना है, यंगर को, तो आकाश इज कैंसिल आउट,
यकास इज यंगर देन दीपक बट एल्डर देन आकाश, यकास बड़ा है आकाश से, तो दोनों को कैंसिल आउट कर चुके हैं हम लोग। सुवी इज यंगर, सुवी यंगर यानी सुवी को कैंसिल आउट करेंगे, इट मीन्स जो बचा हमारा दिस विल बी आवर आंसर, सो ही इज द एल्डेस्ट वन। ये हमारा ट्रिक था, हम लोग को इस हमें इसे क्या है कॉन्सेप्ट से भी बनाना चाहिए। क्यों कॉन्सेप्ट से बनाना चाहिए, देखो क्वेश्चन ईजी हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग डेवलप होना चाहिए। अभी ये छोटे सेंटेंसेस है, छोटे सेंटेंसेस को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के बाद एक लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक लाइन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको, ये हमारा माइंड थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए। जो स्टूडेंट अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं रीजनिंग बनाना उनके लिए तो यह जरूरी है, लेकिन जो बहुत दिन से पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, उनके लिए उनको यह थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगेगा। ओके, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको यह अच्छा लगे। हाँ तो देखो हमें क्या है, अब सेंटेंस को कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी सेंटेंस दिया हुआ उसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना। तो विशाल इज एल्डर, विशाल इज एल्डर देन आकाश, आकाश बट यंगर देन सुवी, इसका मतलब सुवी इज एल्डर देन विशाल, सुवी इज एल्डर देन विशाल, ठीक है। ये पहला सेंटेंस आया, यकाश इज यंगर देन दीपक, इट मीन्स दीपक इज एल्डर देन यकाश बट एल्डर देन आकाश, कौन एल्डर है, यकाश एल्डर है, किससे एल्डर है तो आकाश से। इफ सुवी इज यंगर देन दीपक, इट मीन्स दीपक इज एल्डर देन सुवी, ठीक है, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना, हु इज द हु इज एल्डेस्ट वन, एल्डेस्ट वन हम लोग ऐसे भी जो इसको एक लाइन में कन्वर्ट करेंगे एक्सप्रेस करेंगे, तो जो सबसे एल्डेस्ट होगा उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, सबसे लेफ्ट साइड में, यानी हमारा मेन मोटो क्या होना चाहिए कि लेफ्ट साइड में कौन आदमी है, लेफ्ट साइड के बाद में कुछ भी हो कैसा भी अरेंजमेंट हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट किससे करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं करना, अगर हम लोग दीपक और सुवी से चलते हैं, दीपक और सुवी, सुवी यहाँ पर एंड हो रहा और यहाँ पर से सुवी स्टार्ट हो रहा, तो क्यों ना हम लोग पहला और तीसरा को, तीसरा एक्सप्रेशन को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स दीपक इज ग्रेटर देन सुवी, सुवी इज ग्रेटर देन विशाल, विशाल इज ग्रेटर देन आकाश। अब देखो दीपक को मैंने लिख दिया है आकाश और यकाश और आकाश, यकाश ग्रेटर देन है आकाश से, यकास क्या है ग्रेटर है, आकाश से बड़ा है लेकिन दीपक से छोटा है, इट मीन्स आकाश कहीं यहीं पर आएगा, या तो सुभी के पहले आएगा या फिर सुभी के बाद में आएगा या फिर विशाल के पहले आएगा या फिर विशाल के बाद में आएगा, ठीक है। यह सबसे लेफ्ट साइड में तो नहीं आएगा, ठीक है, सबसे लेफ्ट साइड में नहीं आएगा, और हमें मतलब किससे, सबसे लेफ्ट साइड से, एल्डेस्ट से, सो दीपक विल बी द एल्डेस्ट, सो दिस इज द दिस इज आवर आंसर। हमें कोई जरूरत नहीं है कि आकाश को सेट उसको किसी भी पोजीशन देने की, ठीक है, हमें उसके पोजीशन से कोई मतलब है नहीं, हमें मतलब किससे है तो एल्डेस्ट वन से। सी क्वेश्चन नंबर 4, इन ए ग्रुप ऑफ 5 पर्सन, कितने पर्सन का ग्रुप है, 5 पर्सन का ग्रुप है, कमल इज द टॉलेस्ट एंड व्हाइल लता इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है, इसको हम लोग कन्वर्ट तो नहीं कर सकते मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, लेकिन हमें दो चीज़ें ध्यान रखना होता है, एक तो सेंटेंस को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना और दूसरा फाइंड आउट करो वैसे सेंटेंसेस को जो एक बिल्कुल फिक्स्ड आंसर दे, जो हमें एक बिल्कुल फिक्स्ड आंसर दे, फिक्स आंसर दे रहा है, कमल क्या सबसे टॉलेस्ट है, यानी कि अगर हम लोग कमल को सबसे लेफ्ट साइड में रख सकते हैं और लता को सबसे शॉर्टेस्ट है, लता को सबसे राइट हैंड साइड में रखेंगे, ये फिक्स सेंटेंसेस है, ठीक है। बाकी यहाँ पर तीन लोग और होंगे क्योंकि 5 लोगों का ग्रुप है। अब देखो और किस में है जो बिल्कुल फिक्स दिया हुआ है, रश्मि इज शॉर्टर देन कमल बट टॉलर देन वंदना इन प्रेम, प्रेम इज द सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, प्रेम क्या है सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन है, यानी कि ये शॉर्टेस्ट है, सेकंड शॉर्टेस्ट कौन होगा, ये होगा प्रेम, ठीक है, ये भी एक फिक्स दे रहा है हमें, फिक्स पोजिशन दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये वाला रश्मि को, रश्मि इज शॉर्टर देन कमल, रश्मि इज शॉर्टर देन कमल, तो रश्मि यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, बट टॉलर देन वंदना एंड प्रेम, रश्मि जो है वंदना से भी बड़ी है और प्रेम से भी बड़ी है, यानी कि रश्मि यहां पे होगी एंड हेयर विल बी वंदना, ठीक है। तो हु इज द थर्ड टॉलेस्ट, थर्ड टॉलेस्ट कौन होगा, वंदना, वंदना विल बी आवर आंसर, सो इजी वन, ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। क्या हमें सेंटेंस को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होता है, पहला चीज, और दूसरा चीज क्या हमें देखना होता है कि कहां से हमें फिक्स्ड आंसर, फिक्स्ड पोजिशन का पता चले किस सेंटेंस से, ओके। सी क्वेश्चन नंबर 5, सुनील इज हैवियर देन अभिनव,
बट नॉट एज हैवियर एज राजीव. अभिनव इज हैवियर देन जयस. कासी इज हैवियर देन सुनील बट नॉट एज हैवियर एज राजीव. हु इज द हैवीएस्ट. तो इसको हम लोग ट्रिक से बना सकते हैं. क्या कह रहा है कि हु इज द हैवीएस्ट, यानी हमें हैवीएस्ट को नहीं काटना है, जो उससे कम होगा, लाइटर होगा. ओके, जो लाइटर होगा उसे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे. तो सबसे पहले जो नाम है उसको हम लोग लिखेंगे सुनील, अभिनव, राजीव, जयेश, काशी. ठीक है, सुनील आ चुका है, राजीव आ चुका है. अब हमें कैंसिल आउट करना. सुनील इज हैवियर देन अभिनव. सुनील हैवी है अभिनव से, लेकिन हमें हैवी वाले को कट नहीं करना है. तो कौन हैवी नहीं है, हैवी अभिनव इज लाइटर देन सुनील, तो कैंसिल आउट. उसके बाद बट नॉट एज हैवियर एज राजीव. सुनील इज नॉट एज हैवियर एज राजीव. सुनील जो है ज्यादा हैवी नहीं है राजीव से. इसका मतलब ज्यादा हैवी राजीव से नहीं है, इसका मतलब सुनील जो है लाइटर है राजीव से. तो लाइटर वाले को कैंसिल आउट करेंगे. कौन लाइटर है, तो सुनील लाइटर है, तो उसके जस्ट कैंसिल आउट. अभिनव इज हैवियर देन जयस. अभिनव इज हैवियर देन जयस, यानी कि जयस लाइटर और जयस शुड बी कैंसिल आउट. काशी इज हैवियर देन सुनील. काशी जो है वो ज्यादा हैवी है. किससे ज्यादा हैवी है, सुनील से हैवी है. ठीक है, तो सुनील को काट चुके हैं. बट नॉट एज हैवी एज राजीव. बट राजीव जितना हैवी नहीं है. काशी जो है वो राजीव जितना हैवी नहीं है, यानी कि काशी लाइटर है. सो कैंसिल आउट. सो राजीव विल बी आवर आंसर. ठीक है, अब इसको जो है कॉन्सेप्ट से आप बनाने की कोशिश करो. ट्रिक से मैंने आपको बता दिया है. सी क्वेश्चन नंबर 6. विकास इज मोर कॉम्पिटेंट देन केशव. शिव इज लेस कॉम्पिटेंट देन आसू बट मोर कॉम्पिटेंट देन केशव. विकास इज लेस कॉम्पिटेंट देन शिव. हु इज मोस्ट कॉम्पिटेंट इन ग्रुप. तो इसको भी हम लोग ट्रिक से बना सकते हैं. ठीक है, तो सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट पूछ रहा है, हु इज द मोस्ट. तो हम लोग क्या करेंगे, हु इज द लिस्ट कॉम्पिटेंट, हु इज द लिस्ट और लेसर कॉम्पिटेंट. ओके, जो कम तेज है. तो हम लोग नाम लिखना शुरू करते हैं. विकास, केशव, शिव, आशु, केशव, विकास, शिव, सारा नाम लिख लिया. विकास इज मोर कॉम्पिटेंट देन केशव. हमें किसको करना है, लेसर वाले को, यानी कि लेसर इज सॉरी केशव इज लेस कॉम्पिटेंट देन विकास. केशव इज लेस कॉम्पिटेंट, सो कैंसिल आउट. शिव इज लेस कॉम्पिटेंट. हु इज लेस कॉम्पिटेंट, शिव, सो कैंसिल आउट. शिव इज लेस कॉम्पिटेंट बट मोर कॉम्पिटेंट देन केशव. शिव जो है वो केशव से ज्यादा तेज है. तो शिव यानी कम है, इसका मतलब इसको कैंसिल आउट, शिव कैंसिल आउट ही है. विकास इज लेस कॉम्पिटेंट, तो विकास को कैंसिल आउट. हु इज द मोस्ट, तो आशु विल बी आवर आंसर. सिंपल था क्वेश्चन. ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ बाय कॉन्सेप्ट मेथड. ओके, दिस इज समवॉट ए गुड क्वेश्चन. सी क्वेश्चन नंबर 7. ओके, हम लोग इसको ट्रिक से भी बनाने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट से भी बनाना जरूरी है हमारे लिए. तो सबसे पहले इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे. ठीक है, लेट सी. टी इज टॉलर देन पी एंड बी. टी इज टॉलर देन पी एज वेल एज बी, दोनों से बड़ा है. ठीक है, हम लोग श्योर नहीं कर सकते कि टी बड़ा है पी और बी से, तो टी के बाद पी आएगा या टी के बाद बी आएगा, वी कांट से. बस इससे हमें यही मतलब निकला है. इससे हम लोग दो चीज डिराइव कर सकते हैं कि टी इज आइदर पी एंड बी और टी इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन पी. ठीक है, टी इज टॉलर भाई, टी इज टॉलर बी और पी से, बी और पी से टॉलर है टी. टी जो है इसमें भी पी और बी से टॉलर है. ठीक है, ओके, एक तो ये हुआ. दूसरा, बट शॉर्टर देन ए एंड क्यू, मतलब टी इज शॉर्टर देन ए एंड क्यू. इट मीन्स ए एंड क्यू इज ग्रेटर देन टी. लेकिन हम लोग एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि कौन सा पहले होगा, क्यू पहले होगा या ए पहले होगा. तो यहाँ पर भी हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए, आइदर ए इज ग्रेटर देन क्यू इज ग्रेटर देन टी और क्यू इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन टी. ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन आए हैं. फिर क्या करा, पी इज नॉट द शॉर्टेस्ट वन. पी इज नॉट द शॉर्टेस्ट वन. हाँ, तो पी सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब पी जो है वो लास्ट में नहीं होगा, यानी कि ये वाला तो नहीं हो सकता. ये हमारे पास और हु इज द टॉलेस्ट. हु इज द टॉलेस्ट यानी हम लोग को क्या, किससे मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में किसका पोजिशन होगा, लेफ्ट मोस्ट में किसका पोजिशन होगा. तो हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं, टी इससे. अब सारे को कंबाइन करना है, तो टी इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन बी. अब टी के बाद क्या है, ए और क्यू या क्यू और ए. तो या तो फिर ये वाला लिखेंगे, तो इस तरह से होगा ए और क्यू. अगर
टी ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन बी, ये तो जैसा एज इट इज है, इसके साथ कंबाइंड करेंगे तो ये ए के जगह पर क्यू और क्यू के जगह पर ए आएगा। हमें लेफ्ट साइड से मतलब है, लेफ्ट साइड में क्या है, क्यू है और ए है। तो हु इज द टॉलेस्ट, कोई एक पर्सन नहीं होगा, आइदर क्यू और ए विल बी टॉलेस्ट। ओके, अब इसको ट्रिक से बनाने का कोशिश करते हैं। तो जितने भी नाम है उसको लिख लो, पी क्यू टी ए और बी। टॉलेस्ट पूछ रहा है यानी कि हम लोग जो है जो शॉर्टेस्ट होगा, शॉर्टर या शॉर्टेस्ट होगा उसको कैंसिल आउट करेंगे। टी इज टॉलर देन पी एंड बी, यानी कि पी एंड बी क्या है, शॉर्टर है, तो पी एंड बी को कैंसिल आउट करो। बट शॉर्टर देन ए एंड क्यू, हु इज शॉर्टर देन, टी इज शॉर्टर देन ए एंड क्यू, तो टी को भी कैंसिल आउट करो। पी इज नॉट द शॉर्टेस्ट, पी जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं है, उससे हमें मतलब है नहीं, हमें बचा क्या, फिर क्यू बचा और ए बचा, तो क्यू और सो आवर आंसर विल बी आइदर क्यू, आइदर क्यू और ए। ठीक है, ट्रिक से भी यही आंसर आया हमें। सो इस पार्ट में हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, और भी क्वेश्चन है, टोटल 17 क्वेश्चन को कवर अप किया है इसमें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सारे क्वेश्चन को कवर अप किए हैं हम। तो बाकी के जो प्रॉब्लम है, बाकी 10 प्रॉब्लम हम लोग सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।